तेरे भाभी क्या बोलती मेरे को? बोले जान दो ना, बोले कहा जा रही जी माँ काम को, बोले आज मौसम बड़ा बेमान है। तो मैंने बोला मौसम बेमान है लेकिन बीसी बहुत ईमानदार है, बरोबर हाथी को जाती। अब तेरी भाभी भी ना मेरे को इतनी मोहब्बत करती। कल मैं आया काम पे से, मैंने पूछा क्या बनाई, तो बोले मसूर की दाल। बोला रे साला ये तो बया लिए, मेरे को खुद लिए चलती नहीं। मैं आ रहा वापस, तो बोले रुको खीमा उबाले हुआ अब भी बना के लाती। कितना अच्छा लगता है ऐसे बात करे तो। टूटा हुआ दिल हो उस पर भी दिखाया गया, टूटा हुआ एकदम रो रहा है दिल। नुका वाले यार, नुका वाले। सूरज में दिन भर कचरा उठा उठा के बड़ी मुश्किल से तेरे लिए एक निवाला जूटा पाता, और तू है क्या हमेशा अपने दोस्त को साथ में लाता है? उसकी उसकी मजबूरी तो मुझ पे क्यों थोपता है? बाबा मेरे पास तो आँख है, उसके पास तो कोई नहीं, हम आपस में बांट कर खा लेंगे। वारे दोस्ती न तुम्हें ले देंगे। दूल्हा बन गया ओए, बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर का। मुझे तरस आता है अपने होने वाले शोहर पर, वो ख्वाब तो शहजादियों को देख रहा होगा। मिलूंगी मैं। मुफ्ती साहब रोजे क़यामत अगर बीवी जहन्नम में हुई और शोहर जन्नत में, तो क्या शोहर की सिफारिश पर उसे जहन्नम से निकाल देंगे? बज़ाहिर ऐसा लगता है शोहर ये सिफारिश करेगा ही नहीं। आजकल के जो शोहरों के हालात है, जब उनको पता चलेगा ना कि जहन्नम में, तो वो कहेंगे जो अल्लाह की तकदीर हम उस पर क्या है। खैर ये मिजाह की बात थी, लेकिन उसूली बात यही है कि कयामत के दिन सिफारिश काम आएगी। सिफारिश क्या होगी? अगर बीवी जहन्नम में शोहर जन्नत में, तो शोहर को ये राइट होगा कि वो अपनी जौजा के लिए शफात करे अल्लाह से, ये अल्लाह उसको हक देंगे। गाड़ी माझ्या दारात पुढे लावली, बस इथे चेपी आयता सोडून इकडे चेपी आयला आणि आई घालायला हकील टाकले घरे। I'm gonna go.